subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने भारत को खबरदार किया है कि वो कश्मीर के सिलसिला में अपने अजाइम से बाज रहे, और उन्होंने ये बात पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी ईद मनाते हुए कही। इस मौका पर पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत सारे तबसरे किए। पाकिस्तान के मीडिया ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा ने भारत को ये भी इतला दी है कि आपकी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है। इस सिलसिला में फिर जो ट्विटर पर पाकिस्तानियों ने ही कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में जो कुछ लिखा वो हैरान कन है। पाकिस्तानियों ने यहाँ तक ट्विटर पर कहा कि कमर जवेद बाजवा साहब, आप जब भारत को ये कह रहे हैं कि आपकी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, तो आपकी इकॉनमी क्या अमेरिका से आगे निकल चुकी है? तो किसी ने ट्विटर पर लिखा कि कमर जवेद बाजवा साहब, आप शायद अपनी इकॉनमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बना चुके हैं। किसी ने कहा कि अंकल जी, अपना तो ख्याल रखें, बाकी तो बात बाद की है। बहरहाल कमर जवेद बाजवा का ये कहना खुद पाकिस्तान में मजाक का निशाना बन गया। लेकिन पाकिस्तान के ISPR ने जो एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप जारी किया, उसमें यही अंदाज़ा हुआ कि कमर जवेद बाजवा और फौज के बड़े बड़े अफसरान कोरोना पेंडेमिक के ज़माने में मास्क चढ़ाए नमाज भी अदा कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी हैं, और उनकी कोई तकरीर बहरहाल मीडिया पर अब तक देखने को नहीं मिली। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो जैसे कोई गाना गा रहा होता है, लिप सिंगिंग जिसको हम कहते हैं, तो पीछे से टेप चल रही होती है, तो लिप टॉकिंग की एक कैफियत में जो पाकिस्तान के ISPR ने एक वीडियो जारी किया चंद सेकंड का, तो उसमें वो नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने, अंग्रेज़ी अखबारात ने, उर्दू अखबारात ने, टेलीविज़न ने भरपूर तरीके से रिपोर्ट किया कि जनरल कमर जवेद बाजवा इस बात पर बहुत बरहम नज़र आए ईद के मौका पर, और उनका ये कहना था कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 का एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A किया है वो गैर कानूनी है और उससे हम निपट लेंगे, और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम भारत का मिलिट्री माइट में जवाब देंगे। और ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर हर तरफ फैली हुई हैं, और फिर पाकिस्तान के जो एंकर्स उस पर अपना वो तड़का लगा के बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले चीफ द आर्मी स्टाफ ने भारत को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानी ही हैं उन्होंने उर्दू में लिखा। ये भी नहीं है कि भारतीय हैं जो इतनी अच्छी उर्दू लिख सकते हो, वो ज़ुबान, वो एक्सप्रेशन, वो स्टाइल पाकिस्तानियों का ही है। और सैकड़ों ने लिखा कि जनरल जवेद बाजवा साहब, अपने घर की फिक्र करें, अपनी इकॉनमी की फिक्र करें, आप क्या आसमान पे पहुंच गए हैं, क्या आप अमेरिका से आगे निकल गए हैं, आप खुदा के लिए कुछ तो खौफे खुदा करें। यहाँ तक ट्विटर्स पर लोगों ने लिखा कि जनरल साहब, आपकी फ़ौज ने पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया, आप सब कुछ खा गए, लूट गए हमारा। इस हद तक खुद पाकिस्तानी आवाम रिटेलिएट कर रहे हैं। अभी तो वो सोशल मीडिया पर रिटेलिएट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड्स पर अगर बेचारे रिटेलिएट करें तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे ही PTM के कुछ जलसों में हमने गुज़श्ता
दो एक सालों में देखा कि ये नारा आम लगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो फिर इस नारे के लगाने वाले जो जो भी सामने आ सके, जिन जिन की भी शनाख्त हो सकी, उन बेचारों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। सवाल ये है कि जनरल कमर जवेद बाजवा का ये कहना, क्या वाकई ही वो इतने वसाइल रखते हैं, क्या वाकई ही उनमें इतनी फौजी ताकत है कि वो भारत का वो जो 5 अगस्त 2019 का फैसला उसको अनडू कर सके? बिलाशुबा वो ऐसी कोई ताकत नहीं रखते। ये बयानात भी भारत को दिखाने के लिए कम है और पाकिस्तानी आवाम को ईद के मौका पर दिखाने के लिए ज़्यादा है, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कैफियत है। सूरत हाल फिर ये है कि आखिर इस तरह के बयानात से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को फ़ायदा क्या है? बिलाशुबा पाकिस्तान की आर्मी को तो फ़ायदा है, ठीक ठाक फ़ायदा है कि वो पाकिस्तान की आवाम जो इस बात को अभी भी मानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को ऐसा कहना चाहिए, बल्कि वो तो यहाँ तक समझते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसी आवाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अभी भी 25-30% एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक होगी। 25-30% शायद साइलेंस है, बाकी 40-50% जो ऐसी है जो वही ट्विटर पे जनरल बाजवा साहब से कह रहे हैं कि जनाब खुदा का खौफ करें, शर्म करें, किस तरह के दावे करते हैं, किस तरह के नारे लगाते हैं, आपकी तो अपनी हैसियत कोई नहीं है, ना आपकी इकॉनमी है, ना आपकी फौज की कोई ताकत है, एक सिर्फ न्यूक्लियर बम है जिसकी धमकी से आगे चलते हैं, मगर ये पूरी दुनिया को बात पता है कि न्यूक्लियर बम इस तरह नहीं चला करते। ये बात पाकिस्तान फौज के सिपा सलार की कहना अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, और बार बार कहना इसलिए ज़रूरी है कि वरना वही जो ट्विटर पे पाकिस्तान की आधी आवाम इनके ख़िलाफ़ खड़ी है और वो कह रही है कि कोई खौफ खुदा करें, शर्म करें, उनको ये पता है कि अगर ये बात ना की गई तो फिर उनके होने का क्या जवाब है। ये बात वो समझते हैं, पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसरान नमाजें तो पढ़ सकते हैं, ईद भी मना सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जा सकते हैं, मगर हम सब इस हकीकत को जानते हैं कि वो लड़ने की पोजीशन में नहीं, वो बेबस बलोचों को, पश्तूनों को, महाजरों को, सिंधियों को तो मार सकते हैं, उन अकलौते नहत्ते लोगों को, लेकिन किसी दूसरे बड़े मुल्क की आर्मी से मुकाबला कर सके ऐसा मुमकिन नहीं। आप 1965 की वॉर भी आपके सामने है, 71 में जो हाल हुआ वो भी सामने है, कारगिल में जो हाल हुआ वो भी सामने है, पाकिस्तान आर्मी के अफसरान तो किसी किस्म की जंग करना अफोर्ड नहीं करते, लेकिन बहरहाल एक्सीडेंटल जब इनकाउंटर हो जाते हैं, जैसे कारगिल है, या प्लैंड इनकाउंटर होते हैं, ये ख्याल होता है कि शायद हम इसमें कुछ अपना कारनामा सर अंजाम देंगे, मगर उसमें भी मुंह की खाना पड़ती है और मुंह की खाई, सारी सूरत हाल में फिर इस सारे रेटरिक का मकसद क्या है? वही बात बार बार जो मैं कह रहा हूँ, अपने एग्जिस्टेंस का जवाब फराहम करना, क्या जनरल बाजवा के इस बयान को इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई अहमियत देगी? हरगिज़ कोई अहमियत नहीं देगी। अब हम आते हैं उनके इस बयान की तरफ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे एक तरह से दावा करते हैं कि वो अब बर्बाद हो चुकी है, तो भारत की इकॉनमी की फिक्र उन्हें क्यों इतनी है? उनकी अपनी इकॉनमी का जो हाल है वो सबके सामने है। अभी हाल ही में पीटीआई के सेनेटर नुमान वज़ीर ने कहा था कि पाकिस्तान आर्मी की जो फैक्ट्रियां हैं वो नुकसान में चल रही हैं, उनमें कोई नफ़ा नहीं आ रहा, तो फिर आफ्टर ऑल ये क्या चाहते हैं? इनकी अपनी इकॉनमी, इनकी अपनी फैक्ट्रियां नहीं ठीक से चल रही, तो फिर ये क्या चाहते हैं, ऐसे बयानात क्यों देते हैं? फिर साथ ही साथ मैं चूँकि सेनेट की डिफेंस प्रोडक्शन कमेटी में भी हूँ, पिछले महीने उन्होंने लाया है कि पिछले साल के लाए कि 98 बिलियन उन्होंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन के लिए दिया जाए। डिफेंस प्रोडक्शन क्या? कामरा, QF-1, ये कारखाने हैं, कारखानों को कोई आप उस पर सब्सिडी नहीं देते, पैसे नहीं, इनने अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने कहा ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है। तो मैंने कहा अप्रूव कर दिया तो आप हमारी कमेटी में किसे लाते हैं? आप मेरे से चाह रहे हैं ठप्पा लगाने, मैं तो नहीं लगाता, मैं तो इस पर ऑब्जेक्ट करता हूँ। कम अज़ कम इतना तो करें ना
कि आपने 98 अरब रुपए नुकसान करते हैं ये कारखाने आपके डिफेंस के, कामरा हो गया, पीओवा हो गई, एचएमसी हो गया, हैवी ये हैवी टेक्सटाइल में जो है वो वाला हो गया, ये सारे लॉस करते हैं। तो मैंने कहा नो, कम अप विद अ प्लान कि आप इसको अगले 2-3 सालों में 98 बिलियन से कैसे कम करें, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। उधर भारत की इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट था वो COVID-19 से पहले काफ़ी ज़ेर बहस रहता था, कई फैक्टर्स थे कि वो स्लो डाउन हुआ हुआ था। अब तो COVID-19 के बाद किस दुनिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अब देखा जाएगा, ये बड़ा ही मुश्किल कहना है आज के रोज़। उसका सबब ये है कि अभी तो COVID-19 के अहद में हम सब जी रहे हैं, COVID-19 का असर अभी एटलीस्ट कुछ महीनों तक तो एटलीस्ट है, मैं कहूँगा ये 2 से 4 साल तक इकोनॉमिक इसके इम्पैक्ट आएंगे, शायद इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट आए। और फिर कोविड से निकलने के बाद जब हम इकॉनमी का रिसेशन मज़ीद देखेंगे, फिर हम इकॉनमी की ग्रोथ रेट को दुनिया भर में देखते फिरेंगे, तो ये ज़रा लंबी बहस है। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की इकॉनमी कहाँ पर होगी, इसका अंदाज़ा खुद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी बखूबी होगा और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को भी है। भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन शायद बेहतर हो, इसलिए कि चीन के साथ दुनिया की जो ठनी है COVID-19 के मामले में, लगता है कि चीन का बहुत सारा जो वहाँ से इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत जाएंगे, उनका ज़्यादा जो इन्फ्लक्स है वो टूवर्ड्स भारत होगा, उससे भारत को और फ़ायदा होगा। भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन बहरहाल इस COVID-19 के ज़माने में भी इतनी बुरी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैनी नेशंस। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को भारत की फ़िक्र रहती है, आफ्टर ऑल क्यों फ़िक्र ना रहे, चूँकि उनका होने का जवाज़, उनकी एग्जिस्टेंस की वजह भारत के खिलाफ रेटरिक और भारत दुश्मनी में ही तो है। आज का बिला तकल्लुफ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता, आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।